ये देखिए गाइस, है ना बिल्कुल केएफसी जैसी क्रिस्पी सी कोटिंग, जैसा कि आप बिल्कुल केएफसी में जाकर खाते हैं। और आप सोचते हैं कि ये ऊपर की जो इसकी सीक्रेट सी कोटिंग है ये कैसे आती है, तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी की रेसिपी शेयर करूंगी। और अब आप घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं जिंगा बर्गर बिल्कुल केएफसी जैसा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ वाला बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें जिससे मैं छबी को इन्हें वीडियो अपलोड करूं आप उसे देख पाएंगे, और इसे बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर मैंने बर्गर बनाने के लिए ले लिए हैं चिकन के थाई बोनलेस पीसेस। बर्गर बनाने के लिए, जिंगर बर्गर बनाने के लिए हमेशा चिकन के थाई पीसेस ही लेने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने थाई पीसेस ले लिए हैं, इसके मैंने 3 लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप सिरका, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच सॉल्ट, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। आपको इसमें इतना पानी डालना है जिससे कि ये सारे पीसेस अच्छे से डूब जाए पानी में। ऐसा करने से जब हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे तो हमारा जो चिकन है वो अंदर तक बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट बनेगा, इसकी मैरिनेशन अंदर तक जाएगी। तो इसे हम रख देंगे इस तरह से सोक करके, करीब 1/2 घंटे के लिए इसे रख दें आप, ऐसे ही साइड में छोड़ दें। तो ये देखिए 1/2 घंटा हो गया और आप देख सकते हैं कि इसके सारे रेशे जो हैं वो ओपन हो गए हैं। अब जब हम इन्हें मैरिनेट करके रखेंगे तो ये बिल्कुल अंदर तक जूसी और टेस्टी बनेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी शक्ल पहले से कितनी चेंज हो गई है। देखिए मैंने इन्हें पानी में से निकाल के सुखा लिया है, इनके ऊपर का पानी। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच सॉल्ट, 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पाउडर। और अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसमें बारीक कटा लहसुन भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 1/4 छोटा चम्मच ऑरेगानो, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप करें। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस, और 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो अब हम इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए साइड में। तो इसके बाद हम लेंगे एक बोल और यहाँ पर हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच मेयोनीज, आप कोई सा भी मेयोनीज ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम रेड चिली सॉस 1 बड़े चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। आपको जितना भी चटपटा या फिर तीखा चाहिए आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, इसे भी डालकर हम मिक्स कर देंगे। और अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं किया है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी रेड चिली सॉस कम लग रही है, मैंने टेस्ट किया था, तो मैं इसमें और डाल रही हूँ थोड़ा सा। आप इसे टेस्ट करके अपने हिसाब से कर सकते हैं एडजस्ट। तो ये हमारी सॉस बन के रेडी हो गई है बर्गर पर लगाने के लिए, इसे हम साइड में रख देंगे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ मैदा लिया है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। इससे हम कोट करेंगे हमारे चिकन को, तो आपको ढेर सारा मैदा ले लेना है इसी तरह से। इसके बाद हमें चाहिए होगा ठंडा पानी। तो अब हम लेंगे चिकन के पीस को, 15 मिनट हो गया है, और इसे इस तरह से हम मैदे में पहले कोट कर लेंगे। आपको इस तरह से हथेली के इस वाले हिस्से से आपको इसे प्रेस करते हुए कोट करना है मैदे से। आप इसके ऊपर इस तरह से मैदा डालते जाए और इसे प्रेस कर करके आप इसे अच्छे से कोट करते जाएँ मैदे से, जैसा कि मैं कर रही हूँ वीडियो में आप देख सकते हैं। हल्का हल्का सा इसे रब करते हुए करना है आपको। ये देखिए, और इसके बाद हम इसे डाल देंगे ठंडे पानी में। बस इसे पानी में डालकर हमें तुरंत निकाल लेना है इसी तरह से, और इसके बाद वापस से हम इसे डालेंगे मैदे में, और फिर से हम इसकी मैदे से कोटिंग करेंगे। आप इसके ऊपर इस तरह से मैदा डालते जाएं और इसे रब करते हुए आपको इसे कोट करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कर रही हूँ। मेरे हाथ का जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं। आपको इसी तरह से इसके ऊपर मैदा डालते जाना और इसे इस तरह से रब करते हुए आपको इसे कोट करना है। आप इसके ऊपर मैदा डालते जाएं और इसे इस तरह से रब करते जाएं।
तो देखिए इसे मैंने अच्छे से कोट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी वो जो सीक्रेट वाली कोटिंग होती है KFC में जो आप देखते हैं वो आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से वो भी बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसी कोटिंग लग रही होगी आपको। अब हम इसे फ्राई करेंगे तब आप देख सकते हैं फाइनली इसका लुक। तो यहाँ पर मैंने गैस पर ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, ऑयल जो है वो मीडियम हॉट है और इसे टोटल फ्राई करने में 10 मिनट लगते हैं। तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्राई करें लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए 5 मिनट बाद आप इन्हें फ्लिप कर दें, दूसरे साइड से भी फ्राई कर लें जब तक ये लाइट गोल्डन कलर के नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल KFC वाली जो सीक्रेट कोटिंग होती है वो बिल्कुल आपको दिख रही होगी। इसी तरह से वो भी इसे करते हैं कोट जिससे कि वो आपको सीक्रेट कोटिंग दिखती है और आप सोचते हैं कि ये कैसे आती है। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी लगता है ये खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी तरह से हम बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने दूसरा पीस भी फ्राई कर लिया है और घर बैठे आप इंजॉय कर सकते हैं जिंगर बर्गर को, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने बर्गर बन को भी से काट के इसे हल्का सा मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा। तो इसके बाद हम नीचे वाले हिस्से पे लगा देंगे थोड़ी सी सॉस जो हमने बनाकर रखी थी और इसके बाद हम इसमें रख देंगे सैलेड लीव। यहाँ पर मैं कैबेज के पत्ते रख रही हूँ इसके ऊपर, आप कोई सा भी सैलेड लीव ले सकते हैं, आइसबर्ग, लेटस, कोई सा भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, या फिर आप इसके ऊपर कैबेज भी रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें रख देंगे चिकन के पीस, यहाँ पर मैंने इसे आधा कर लिया है क्योंकि ये काफ़ी बड़े थे तो मैंने इसे भी इससे आधा कर लिया है। और ऊपर वाले हिस्से पर भी हम लगा देंगे इस तरह से सॉस। तो ये देखिए हमारा जिंगा बर्गर बिल्कुल KFC स्टाइल बन के रेडी हो गया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।